राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अनंतनाग जिले में NIA ने आज सुबह छापेमारी की। प्रदेश के 40 ठिकानों में NIA की छापेमारी जारी है। इसमें श्रीनगर, गांधरबल, अच्छाबल, शोपियां, बांदीपुरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी व अन्य जिले शामिल हैं। NIA ये छापेमारी टेरर फंडिंग सहित कुछ नए मामलों के सिलसिले में कर रही है। NIA की जमाते इस्लामी संगठन के सदस्यों के घरों पर भी छापेमारी जारी है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। बडगाम पुलिस ने शालीपुरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 3 खुफियात ड्रग तस्करों के पास से 103 किलोग्राम पोस्ता भूसा पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया है। पुलिस द्वारा एक महिंद्रा मैक्सी ट्रक को रोका गया, रोकने के बजाय उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर तस्करों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में एक गुप्त स्थान बनाया गया था। बॉडी के पार्ट्स खोलने पर ड्रॉर्स में 103 केजी पॉपी स्ट्रॉ बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने NDPC अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नगर निगम कार्यालय बटोत में वार्ड नंबर 2 में अपने घरों में पानी सप्लाई न होने के कारण नगर निगम कार्यालय के सफाई कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 3 पार्षद शाहरुख भट्टी भी प्रदर्शन में शामिल हुए और PHE विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि PHE विभाग की लापरवाही का खमियाजा पूरे बटोत नगर पालिका को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने DC रामबन से हस्तक्षेप कर मसले को हल करने का अनुरोध किया है। जिला पुंछ में पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ की हालिया घटना पर BHP और बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया। कार्यकर्ताओं ने पुंछ के मुख्य बाजार में इमरान खान का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल है। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर दुख प्रकट किया। जम्मू के मुख्य बस अड्डे पर एक दुकान से मोबाइल चुरा कर फरार हुए SPO CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV कैमरे के आधार पर पुलिस ने SPO का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर SPO के इस कारनामे को देखते हुए पुलिस विभाग ने भी उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ऐतिहासिक मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार में सबसे बड़ी अड़चन पैसों की रखी है। पैसों की कमी से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार में दशकों लग गए हैं। ऐसे में अब सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के रानियों के महल वाले हिस्से को हेरिटेज होटल में बदलने का निर्णय लिया है। उससे जो भी राजस्व मिलेगा उसे ऐतिहासिक इमारत के जीर्णोद्धार पर लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताने वाले, जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना आधार बढ़ाने वाले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को बड़ा सहारा मिला है। PDP के 4 बागियों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है। इसमें राज्यसभा के 2 पूर्व सांसद मीर फयाज मीर, नजीर अहमद लावे और पूर्व MLC मुर्तजा खान और PDP की महिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष सफीना बेग शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के घंटाघर को तिरंगे से रोशन किया गया है। श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू ने कहा कि हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में लाल चौक पर घंटाघर रोशन किया है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के DHpura में पंबे इलाके में शनिवार को एक पुलिस पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने गोली बरसा दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने उस समय फायरिंग की जब वो इलाके में यातायात नियंत्रण कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो फोन कर नीरज को ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए गौरव का पल है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि 15 अगस्त को मिलते हैं। ओलंपिक दल के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आने का आमंत्रण दे चुके हैं।
मुंबई फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद एक मंझे हुए अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के इंसान हैं। इसका उदाहरण हमें कोरोना लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने लोगों की मदद की। आजकल बॉलीवुड की कश्मीर घाटी में शूटिंग्स चल रही है, ऐसे में सोनू सूद कभी डल किनारे चप्पलें बेचने के साथ नजर आए तो कभी किसी गांव में। वहीं इस दौरान श्रीनगर के डल लेक के किनारे भुट्टा यानी मक्की बेचने वाले के साथ बैठकर वो मक्की का आनंद लेते नजर आए और मक्की व भुट्टा भूनते नजर आए और बेचते नजर आए।